हिजाब विवाद की आंधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी है, जिस पर अब सबके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा जवाब दे दिया है। बीते दिनों AIIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था, जिसकी वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हुई और उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। यहाँ ओवैसी कहते नजर आए, हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह अगर वो फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे, हिजाब नकाब पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन SDM भी बनेंगे और एक दिन इस देश की एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। जिसके बाद कर्नाटक के उडुपी जिले से उठे हिजाब मामले में ओवैसी की इस बयानबाजी के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुलकर बातें रखी है, जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संदेश देते हुए साफ किया कि इस देश का लोकतंत्र भारतीय संविधान से चलता है, न कि शरीयत या इस्लामी कानून से। आपको बता दें कि हिजाब विवाद का मामला धीरे धीरे सियासत की रंग में रंग चुका है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव की खलबली में देश की अलग अलग पार्टियां जमकर छात्राओं का हिजाब पहनकर क्लासरूम में प्रवेश करने की जिद और प्रदर्शन पर बवाल मचा रहे हैं। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इस पर सियासत ना करने की गुजारिश कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू के दौरान सियासी तांडव मचाने वाले ऐसे नेताओं पर भी जवाब दिया, जहाँ ऐसे कई नेता हैं जो प्रदर्शन कर रही छात्राओं का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू के दौरान सियासी तांडव मचाने वाले ऐसे ही नेताओं पर जवाब देते नजर आए। वहीं मुस्लिम लड़कियों की आजादी को लेकर CM योगी ने कहा, उसी बेटी को तो आजाद कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया, उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं और उसी बेटी के सम्मान को लेकर हम कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी, ताकि हर बेटी के सम्मान और स्वावलंबन का कार्य हो सके। यहाँ इस दौरान जब CM योगी से स्कूल में हिजाब पहनने वाले मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हम इस देश और इसके संस्थान पर अपनी धार्मिक मान्यता या चुनाव नहीं थोप सकते। क्या मैं यूपी के हर नागरिक और कर्मचारी से भगवा पहनने को बोलता हूँ? वो जो पहनते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड को लागू किया जाना चाहिए, ये स्कूल और वहाँ के अनुशासन की बातें हैं। जबकि इस दौरान CM योगी ने गजवाए हिंद जैसे मसलों पर बयानबाजी करने वाले सांप्रदायिक रंग देने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, ये लोग जान ले ये नया भारत है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का भारत है, इस नए भारत में विकास सबका होगा मगर तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा, ये नया भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। मौजूदा समय में देश के सबसे बड़े राज्य के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर एक शानदार जवाब से जुड़ा वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिस पर उनके चाहने वाले भी जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।